दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। जिला परिषद सभागार में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी को बहुमत मिला। बीजेपी समर्थित सीमा कन्याल अध्यक्ष, जबकि कांग्रेस समर्थित जिला परिषद सदस्य अंजना शर्मा ने भाजपा को समर्थन देकर उपाध्यक्ष का पद हासिल किया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि बीजेपी की जीत प्रदेश के जयराम सरकार के विकास कार्यों की जीत है। उन्होंने प्रदेश व जिला के सभी वरिष्ठ नेताओं को बधाई दी। इसी के साथ उन्होंने परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी बधाई दी। सुरेश कश्यप ने कहा कि लोगों ने समर्थन देकर प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को, नीतियों पर मुहर लगाई है। अगर कांग्रेस नेताओं ने इन चुनावों में भाजपा पर गुंडागर्दी और धनबल का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं, तो कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी समर्थित जिला परिषद सदस्य को जबरन उठाया गया और उसे दबाव बनाकर अपने पक्ष में लिया गया। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। इनका कहना है कि निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बहुमत में थी। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री सुखराम चौधरी कांग्रेस समिति जिला परिषद सदस्यों को अपनी गाड़ी में बैठाकर चुनाव स्थल तक पहुंचाते हैं, जो सीधे तौर पर जनादेश का अपमान है। वहीं जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीमा कन्याल ने सहयोग के लिए जिला परिषद सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह भाजपा हाईकमान की आभारी हैं, जिन्होंने इस पद के लिए उनको चुना। उन्होंने कहा कि वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। सिरमौर जिला में जिला परिषद के कुल 17 वार्ड हैं, जिनमें 8 पर कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने जबकि 8 भाजपा समर्थित सदस्यों ने जीत दर्ज की थी। निर्दलीय का समर्थन मिलने के बाद कांग्रेस बहुमत में नजर आ रही थी, मगर अंतिम समय में कांग्रेस की ही एक महिला सदस्य ने भाजपा को समर्थन दिया, जिसके बाद भाजपा ने बहुमत में आकर जिला परिषद पर कब्जा किया। आज जिला सिरमौर के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद में जीत हासिल की है। श्रीमती सीमा कन्याल अध्यक्ष बनी हैं और श्रीमती अंजना शर्मा उपाध्यक्ष बनी। मैं सिरमौर के शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय चौधरी सुखराम जी, सम्माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे सम्माननीय विधायक आदरणीय श्री बलदेव तोमर जी, हमारे चेयरमैन सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन श्री बलदेव भंडारी जी, चेयरमैन मार्केटिंग बोर्ड जिला के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष श्री विनय गुप्ता जी और समस्त नेतृत्व को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार से एकजुटता के साथ इस चुनौती का हमने सामना किया और आज जिला परिषद की अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हमारे उम्मीदवार जीती हैं। मैं श्रीमती सीमा कन्याल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, साथ ही साथ श्रीमती अंजना शर्मा जो उपाध्यक्ष बनी उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है और सिरमौर के तमाम कार्यकर्ता इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार से इन अभी तक के जो नतीजे पंचायती राज के हिमाचल प्रदेश में आए हैं, 7वीं जिला परिषद का आज नतीजा आया है और 7 की 7 भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने उनके जो 3 वर्ष का कार्यकाल, जो विकास की योजनाएँ उन्होंने शुरू की, जो उनकी नीतियाँ रहीं, उनके ऊपर जनता ने मोहर लगाई है और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के 3 वर्ष के कार्यकाल उनके नीतियों और विकासात्मक कार्यों की जीत है। सभी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, तो मैं जहां शीर्ष नेतृत्व को, अपने प्रदेश के नेतृत्व को बहुत बधाई देना चाहूँगा, सिरमौर के शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एकजुटता के साथ सभी ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया और आज जिला परिषद में हम लोग जीत हासिल करने में कामयाब। जो ये आज जिला परिषद भाजपा ने बनाई है, पूरा ही देखने को जो मिला है वो गुंडागर्दी से बनाई है। धन बल का प्रयोग किया है, अपने सत्ता का प्रयोग किया है और जबरदस्ती हमारे मेंबर को ये उठा के ले गए हैं और जबरदस्ती पता नहीं क्या प्रलोभन दिए हैं, उस कारण जो ये है ये एक मेंबर को ले जाने में कामयाब हुए हैं।
और आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे कांग्रेस ने पहले ही अपने 9 के 9 मेंबर्स को फ्लोट किया था, और हमने उसमें सारा बताया था कि ये सारे 9 मेंबर्स इंटैक्ट हैं। और एक हमने अपने साथ जो हमारी इंडिपेंडेंट आई थी उसको हमने साथ लेके हमने जिला परिषद का चेयरमैन बनाना था, पर जो ये छल भाजपा ने किया है मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ सरकार की, कि इस तरह के जो कार्यक्रम जो ये चला रहे हैं सारी जगह, सब जगह बीडीसी में भी इन्होंने ऐसा किया और जिला परिषद में भी इन्होंने ऐसे, सारी जगह इनके जो ये कार्य हैं ये करने को देखने को मिल रहे हैं लोगों को, और इससे कोई इनके प्रति कोई अच्छा मैसेज नहीं गया है। पूरा प्रदेश जानता है कि कांग्रेस के पास 9 मेंबर्स थे और वो 9 के 9 कांग्रेसी मेंबर्स थे, तो आज इन्होंने जो जिला परिषद बनाई है वो भाजपा की बनी है, और धन बल और क्या क्या प्रलोभन दिए हैं ये तो सभी लोग जानते हैं, तो उसी कारण ये इन्होंने आज इस पे काबिज हुए हैं। आज जो जिला परिषद का जो चुनाव हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती जनादेश को ठुकरा करके कब्जा किया है, और जो भी हुआ है आज सब लोगों ने देखा है। कांग्रेस की एक जो प्रत्याशी थी, कांग्रेस की जिला परिषद की मेंबर थी, उसने पाला पलट के भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर उनको अपनी गाड़ी में बैठा करके लाते हैं और हॉल के अंदर ले जाते हैं। ये जनादेश का जो है अपमान है, और मैं इसका खंडन करता हूँ। 9 मेंबर कांग्रेस पार्टी के थे, हमने उनको पहले पेश भी किया और हमारे ग्रुप में थे वो, मगर अब किस तरह से उनको ले गए बहला के फुसला के लालच दे करके, और इसमें बहुत बड़ा सौदा हुआ है। मैं सीमा कन्याल अपने भारतीय जनता पार्टी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जीत मेरी अकेली की नहीं है, ये हम सब की जीत है, और मैं अपने अंजना जी को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उपाध्यक्ष वो बने हैं हमारी पार्टी के। और मैं ये अपनी जनता से कहना चाहती हूँ कि जो मैं आपने विश्वास से मुझे जिताया है पूरे सिरमौर की जनता को, मेरा यही रहेगा कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा काम करूँ और आप लोगों की सेवा कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे समर्थकों का, पूरी जनता का।